SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सी की स्पीड तेज है, कौन सी बेटर है और कौन सी हमें खरीदनी चाहिए, आज इसी टॉपिक पर इसी वीडियो में बात होगी। लेट्स स्टार्ट। विंडो बूट की बात करते हैं, विंडो बूट टाइम कितना लेता है। एचडीडी के अंदर आपको 40 टू 60 सेकंड्स का वेट करना पड़ता है। एचडीडी के अंदर तो एसएसडी के अंदर आपको 10 टू 15 सेकंड्स का टाइम लगता है सिर्फ बूट होने में, जो कि बहुत तेज है एसएसडी एचडीडी के मुकाबले। रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो एचडीडी आपको 50 टू 120 एमबीपीएस की स्पीड देती है, एसएसडी आपको 200 टू 500 एमबीपीएस की स्पीड देती है रीड एंड राइट में, जो कि एसएसडी यहां पर भी आ गए है। पावर कंजप्शन की बात करें तो पावर कंजप्शन एचडीडी के अंदर आपको 7 टू 8 वॉट्स का पावर कंजप्शन होता है और एसएसडी के अंदर आपको 2 वॉट्स का पावर कंजप्शन मिलता है, जो कि एसएसडी यहां पर कम पावर रहेगी तो कम बैटरी आपकी जाएगी। फेल्योर रेट की बात करें तो एचडीडी के अंदर फेल्योर रेट काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 मिलियन आवर और एसएसडी के अंदर आपको 2 मिलियन आवर्स हैं, जो कि बहुत कम है। एसएसडी काफ़ी कम फेल्योर रेट है, यहाँ पर भी एसएसडी आगे है और एसएसडी काफ़ी अच्छी है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्राइसिंग एचडीडी के अंदर आपको 320 GB की आपको प्राइसिंग में 1000 रुपये में 320 GB मिल जाती है और एसएसडी के अंदर आपको 2000 के अंदर ही 120 GB आपको मिलेगी, जो कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। एसएसडी अगर आपका बजट लो है तो आप एचडीडी ले सकते हैं, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपका बजट ठीक है बढ़िया है तो आप एसएसडी के साथ ही जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल।